एज स्टेट को जो उन्होंने कहता ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, मतलब ये मुझे लगता है कि वुशु ही फर्स्ट टाइम है कि जो अभी इंटरनेशनल में मेडल दे रहा है और वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में, अभी आज तक मेरे नॉलेज में तो अभी इंटरनेशनल इतना में जे एंड के का मेडल नहीं आया। वुशु ने ये फोर्थ फाइव टाइम मतलब पाँची बार है दो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल दे रहे हैं, वर्ल्ड कप में मेडल दे रहे हैं और अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप अगेन मेडल दे रही है और लड़के क्वालिफाई कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, एशियन गेम्स के लड़के जा रहे हैं और बड़ी बात है हमारे जो हमारे स्टेट के लिए फख्र की बात है, हमारा लड़का जो है टॉप स्कीम में आ गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 14 स्पोर्ट्स रिकॉग्नाइज किया है जिनको पूरा सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें 151 एथलीट सेलेक्ट हुए हैं, उसमें हमारा भानु प्रताप सिंह भी सेलेक्ट हो गया। हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ दिस गेम इन J&K? J&K is a मतलब इज अ वेरी मेडल प्रॉस्पर स्पोर्ट्स एंड वेरी पॉपुलर इन J&K स्पोर्ट्स एंड दैट टू इन कश्मीर, इट्स वेरी पॉपुलर इन कश्मीर। रिसेंटली वी कंडक्टेड खेलो इंडिया स्टेट चैंपियनशिप दिया एंड डिस्ट्रिक्ट इवेंट दिया, तो उसमें ऑलमोस्ट सब डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट किया और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हमारे रियासत में लास्ट टाइम अभी नेशनल चैंपियनशिप गई थी टीम अपनी स्टेट टीम, उसमें थर्ड पोजिशन आ गई जिसमें डिपार्टमेंटल गेम्स आती है आर्मी CRP उनको बीट करके थर्ड पोजिशन लाना बड़ी बात है स्टेट। अब वुशु में गोल्ड मेडल जीता है तो आई थिंक ये इनकी क्रेडिट जाता है इनकी मेहनत को, इनकी लगन को और खासकर J&K पुलिस ने भी इनको बड़ा सपोर्ट किया। मैं DGP का वैद साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि J&K पुलिस ने इनको बहुत से फैसिलिटीज़ दी, ड्यूटीज़ ऑफ की और खेलने के लिए इनको इनकरेज किया और इनकी फैमिलीज़ का और स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से जो भी हमें हुआ पिछले ही साल जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इनको पहले भी स्टेट अवार्ड से और कैश प्राइज से नवाजा है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने महबूबा मुफ्ती जी ने, तो वो सब चीज़ें इनको इनकरेज की हैं और ये रिज़ल्ट जो हैं ये बहुत मेहनत के बाद आए हैं, तो मैं इनको इनके परिवार को और कुलदीप भांडू जी को मुबारक करता हूँ कि इन्होंने J&K का और देश का नाम जो है रोशन किया। अब ये वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुए हैं और एशियन गेम्स के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं और भानु प्रताप तो जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टॉप स्कीम जो है जिसमें लगभग 150 एथलीट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नर्चर करेंगे और फॉरेन ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे, उसमें सिलेक्ट हुआ है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपने देश के लिए जो है और भी नाम कमाएंगे।